हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी बरसात के चलते भारी तबाही हुई, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। शिमला के एक एनजीओ आवाज फाउंडेशन ने हेल्पिंग हैंड एक मुहिम शुरू की, जिसमें ऐसे प्रभावित लोगों के लिए दिन रात एक करके राशि एकत्रित की और उन लोगों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। आवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने बताया कि इस आपदा की घड़ी में काफी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, जिसके चलते फाउंडेशन ने एक मुहिम शुरू की हेल्पिंग हैंड, जिसमें फाउंडेशन के सदस्य टूटीकंडी के लोगों ने राशि एकत्रित की और जिला मंडी के व्यास सदन में जाकर 171 परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। नमस्कार, मैं पवन ठाकुर, प्रेसिडेंट ऑफ आवास फाउंडेशन शिमला। साथ ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पंकज ठाकुर और मेंबर हमारे जो है लक्ष्य ठाकुर जी साथ हैं। हमारा जो ये एनजीओ है, इसको हमको शुरू किए हुए कम से कम एक साल तक होने को आ चुका है। हमारा जो एनजीओ है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड कार्य करता आ रहा है और साथ ही में सोशल वर्क का कार्य जो है वो करता आ रहा है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो हिमाचल में जो ये भारी बारिश के कारण जो ये आपदा आन पड़ी है, उसमें हमारे एनजीओ के थ्रू से एक अभियान चालू किया गया था हेल्पिंग हैंड करके। उस अभियान में हम लोगों ने जो बाढ़ से जो प्रभावित लोग थे आपके, जो जिला मंडी में जो स्थित थे, व्यास सदन एक जगह है, वहाँ पे 171 जो फैमिली थी वो वहाँ पे रुकी हुई थी। हम लोगों ने यहाँ से शिमला से एक खाद्य सामग्री की एक पूरी जो पिकअप थी, उन लोगों के लिए हमने रवाना यहाँ से करवाई थी। हमारा जो ये डोनेशन का जो ये कार्य ये था, हम लोगों ने टूटीकंडी बस स्टैंड के जो सारे ये दुकानदार थे, इन लोगों से हमने जा जा के डोनेशन का ठीक कर रखी थी। और साथ ही में जो हमारे मेंबर जो है जुड़े हैं, उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग इसको हमारे को फाउंडेशन में रहा है। हालांकि जो भी हमने एक अभियान शुरू किया था ये हेल्पिंग हैंड करके, इसको हम आगे भी बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो बाढ़ के कारण जो काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों को अपने जो घर है उनको वो पलायन कर चुके हैं, वहाँ से लोगों को घर जो है वो सारे पानी में वो तहस नहस हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं हमारे एनजीओ के थ्रू से अभी भी जो है जो डोनेशन का जो कार्य चलता है वो ये चलता रहेगा, कभी और भी जाके हम ये सारा जो सहयोग है, खाद्य सामग्री का जो सामान है, उन लोगों तक हम पहुँचाने की जो अपनी तरफ से जो पूरा है जो वो हम प्रयास करते रहेंगे। सर, लोगों से हमारी यही अपील रहेगी, जो जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, हमारे एनजीओ को जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके इस कार्य में, जो आपका ये आपदा पड़ी है, सोशल वर्क में जुड़े और मैक्सिमम जो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे काम भी हम करते हैं उसमें भी जुड़े। आवास फाउंडेशन के मेंबर से मैं यही कहना चाहूँगा, जो इस आपदा की घड़ी में उन लोगों ने जो सहयोग हमारे एनजीओ को दिया है, वो आगे भी ऐसा सहयोग हमारे एनजीओ को प्रदान करें।